नया एक्सपीरियंस था हमारे लिए, हमने उसको इन्जॉय भी किया और स्ट्रगल भी किया एकदम से, एक कैमरे के सामने आना, एक एक्टिंग करना, डांस का पोज देना, चेहरे का एक्सप्रेशन के बारे में रुपेश जी ने इसमें बहुत हेल्प किया, उनकी जो भी उन्होंने हमें सिखाया उसकी बदौलत ही हम इतना कर पाए जो आप लोगों को शायद पसंद है। मंदाकिनी मैम, माई पर्सनल माई अपना बहुत समय दिया, कितने आभारी हूँ मैं, बहुत आभारी हूँ उनके, क्योंकि ये जो भी फिल्म इंडस्ट्री के एक स्तंभ है और हमारे जैसे न्यू कमर्स के लिए वो आए, इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया। मंदाकिनी मैम, आप लोग क्या कहना चाहेंगे म्यूजिक वीडियो के बारे में और सर के बारे में, इतने उम्र में इन्होंने कुछ नया एक्सप्लोर करने की कोशिश की जो आम लोग नहीं कर पाते हैं? उम्र नहीं हुई अभी तक, यंग लग रहे हैं। यंग हो या यंग ना भी हो, एक्टिंग करने के लिए कोई उम्र नहीं होती। क्या बात है, सुपर। और जिसको जब जो चीज़ ठीक लगे उसे कर लेना चाहिए, और इन्होंने इतना अच्छा किया है तो उसके लिए तो उनकी बहुत तारीफ होनी चाहिए। जो लोगों ने कभी किया नहीं था जो चीज़, वो इन्होंने इस अभी आके किया, फर्स्ट टाइम किया और इतना अच्छे से किया, तो तारीफ के लायक है। मेरी राय थोड़ी सी मंदाकिनी जी से अलग है, क्योंकि मुझे लगता है पुराने गानों में बहुत ही डेप्थ थी और आज भी वो गाने नए हैं। हम कितनी बार भी लता जी, मुकेश जी, किशोर कुमार, आशा भोसले कितनी बार भी सुन लें, वो गाने आज भी दिल को छूते हैं। और मेरे तो गाड़ी में मैं जब भी जाती हूँ शूटिंग करने या कुछ, तो वो ही गाने मैं पिछले गाने सुनती हूँ। उनकी पहली लाइन से लेकर आखिरी लाइन तक उसका मीनिंग था। पहली लाइन मतलब वो, अभी आपको कितने गाने हैं जिनकी फर्स्ट लाइन और अंदर की लाइंस, जो अंतरे की लाइंस हैं वो आपको याद है। स्थाई के बाद अंतरा पता ही नहीं होता है, फर्स्ट लाइन ही पता होती है और उसी से गाना हिट हो जाता है। बोलते हैं अरे ये गाना हिट है, तो उसका कोई सेंस ही नहीं है कई गानों का। लेकिन मैं ये नहीं कहती कि हर एक गाना ऐसा है, कुछ एक गाने आज भी म्यूज़िक डायरेक्टर्स बहुत टैलेंटेड हैं, सिंगर्स हमारे पास बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे गाने लिखे भी जाते हैं, लिरिसिस्ट बहुत अच्छे हैं। लेकिन जो पहले के गाने हैं और अब के गाने हैं, मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि उसका कोई मुकाबला नहीं। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस गाने को लेकर, कितनी बड़ी याद है, कितनी बड़ी इसमें एक गाने के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कितना टाइम गया और कैसे ध्यान में है आपके गाना बनवाना चाहिए? गाना के लिए मैं बस बोलूंगा कि मैंने पहले भी बताया आप लोगों को कि इसको स्टार दम है, थोड़ा हमेशा से रहता है कि ये स्टार वो स्टार, बॉम्बे भी आती है तो हमेशा ये रहता है कि कोई मिल जाए, शायद कहीं मिल जाए लगा होता है। तो फिर मेरे को लगा कि हाँ, जब इतना है तो क्यों नहीं हम ही उसको पिक्चराइज करें और हम ही उसके तरफ खुद को ही एक स्टार बनाने की कोशिश करें। बुढ़िया जी, आप क्या कहना चाहेंगे सॉन्ग के बारे में? खुद ही सब मुझे बहुत अच्छा लगा करके, मेरा भी पहला ही है। रुपेश जी, शॉर्ट फिल्म बनाया आपने और काफी मतलब अवार्ड्स वगैरह मिले हैं, कश्मीर पे भी जैसा कहा गया कि बनाने वाले, क्या विषय है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए क्या होता है, जब एक सब्जेक्ट तैयार हो रहा होता है ना, उसके बारे में ये जरूर होता है कि आदमी बताना चाहता है, लेकिन मेरा जो सब्जेक्ट है उसको मैं थोड़ा भी डिस्क्लोज नहीं करना चाहता किसी रीज़न से। तो कश्मीर फाइल से तो प्रेरित? नहीं, कश्मीर फाइल से उसका कोई वो नहीं है, हमारी एकदम अलग स्टोरी है। लेकिन आपने जो क्वेश्चन पूछा है मेरे से, वो उसका मैं घुमा के आंसर नहीं दूंगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूंगा आपको कि मैं अभी उसके बारे में डिस्क्लोज नहीं कर पाऊंगा फिल्म के बारे में। सर, इस सॉन्ग के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये सॉन्ग बहुत अमेजिंग है और शूट भी आपने इतनी गर्मी में करा, तो कैसा एक्सपीरियंस? मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छा सबसे पहला तो लगा शान जी की आवाज़, जिन्होंने इस पर आवाज़ दी, उसके बाद म्यूज़िक जो दिया सुजात भाई ने, और उसके बाद जो मेरे ये दोनों आर्टिस्ट हैं जिन्होंने परफॉर्म किया 42 डिग्री टेम्परेचर के अंदर, खूब रिहर्सल्स किया, काफ़ी मेहनत किया और उसके बाद ये फाइनल रिजल्ट आया। डायरेक्टर हमेशा कैमरे के पीछे अपनी बेस्ट देने की कोशिश करता है कि हर शॉट उसका बेस्ट हो, लेकिन उसमें परफॉर्मेंस सामने जो फ्रंट ऑफ द कैमरा होता है उसी को देनी पड़ती है। आप जाए रिहर्सल्स कराएं, सब कुछ कराएं, लेकिन फाइनल एग्ज़ाम तो वही देता है। तो मेरे हिसाब से इन्होंने फाइनल एग्ज़ाम के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, और मंदाकिनी जी, उपासना जी सब लोग हैं यहाँ पे, तो उनकी ब्लेसिंग से मेरे ख्याल से ये और संग अच्छा गया। हाँ, हमने एक ट्रेंड सेट करने की कोशिश की है कि लोग पहले लव करते हैं फिर मैरिज करते हैं, और या रियल लाइफ में अगर हम देखें तो कपल्स पहले यहाँ एक दो मूवी, चार मूवी करते हैं, फिर उनके बीच अफेयर लव होता है और फिर वो कपल्स में बदल जाते हैं। हमने पहले शादी की है, एक अरेंज मैरिज है हमारा, और उसके बाद प्यार हुआ है, और फिर प्यार के बाद ये रियल लाइफ का प्यार हमने लाया है जो शायद एक ट्रेंड सेट कर दे बॉलीवुड के लिए। सुजात जी, आपने एक आम आदमी भी चाहे तो एक अपना आम जीवन से उठ करके एक
सॉन्ग शूट करा सकते। दुआ करते हैं फिल्म में भी आप दोनों साथ में नजर आ जाए। जरूर क्या बात है, ये आपकी दुआ लगेगी पक्का कर। सुजात जी आपके बहुत सारे वीडियोस आए हैं और इस वीडियो में क्या खास बात है कपल को देखते हुए? कपल बहुत अच्छे हैं और आपको देखने मिल जाएंगे, मगर मैं इस गाने में रुपेश भाई की तारीफ करूंगा कि उन्होंने मुझे चांस दिया और इतना अच्छा गाना बनवाया मेरे से। ये गाना गाया शान भाई ने गाया गाना, और शान भाई आने वाले थे, शान भाई बता रहे हैं, वरना वो भी आते थे, क्योंकि कल ही मुझे रुपेश भाई ने बोला कि भाई शान भाई को भी बुलाया जाए, तो बता रहे हैं। मगर इसमें सबसे अहम भूमिका है हमारे रुपेश भाई की, उन्होंने ये गाना मेरे से निकलवाया। मैम काफी ब्यूटी कॉन्टेस्ट था आपने, ये नया अनुभव था, कैसा अनुभव था रुपेश जी के बारे में बताइए, आपकी टीम के बारे में जो आप शूट कर रहे थे? देखिए क्या होता है ना, फैशन वर्ल्ड अलग है, क्योंकि जितना मैंने ब्यूटी कॉन्टेस्ट किया है इतने पिछले 3 साल से कंटिन्यूशन में मैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जो वर्क कर रही हूँ, बट वहाँ का वर्किंग स्टाइल और इंडस्ट्री में जो हम कैमरे के आगे आते हैं टोटली अपोजिट है। वहाँ रैंप पे चलना और सिर्फ कैमरे में देखना, और शूटिंग के दौरान पता चला कि कैमरे में देखना ही नहीं है आपको, मतलब एकदम अपोजिट है। और हम लोगों को हैबिट है जब हम शो करते हैं कि पर्टिकुलर हम पोज में खड़े होते हैं, यहाँ पोज तो चलता ही नहीं है, यहाँ एकदम फील अंदर से निकालना होता है आपको, आपका जो टैलेंट है वो। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और रुपेश सर का तो सैल्यूट है, बिकॉज इतना सुंदर तरीके से इन्होंने जो पिक्चराइजेशन किया है, और ये हमारे जो कपल है इनका भी मैं थैंक्स कहूँगी कि इन्होंने इतने फास्ट तो मुझे नहीं लगता कि कोई शूटिंग में वन डे में आपके फटाफट आउटफिट चेंज करना और सेट पे आना इतनी गर्मी में सीन्स जैसे देना। मंदाकिनी जी ने बोला कि यार वहाँ पर भी, और मैम ने भी बोला कि इतने फटाफट एक्सप्रेशंस भी देना गर्मी में। मैं भी शूटिंग पे थी, लोकेशन पे थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बट सीरियसली इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो मुझे लगता है एक बार सारी मीडिया ने, वैसे ज़्यादा तालियां तो आप लोगों ने बजाई नहीं है, पर एक बार बजनी थी इन दोनों के लिए। आपको बहुत अच्छा लगा, आप भी बनवाने वाले हैं ऐसा गाना।